वाराणसी और नोएडा भोपाल तक प्रोटेस्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से नतीजे रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी की जा रही है। तो कई सवाल इस परीक्षाओं पर भी उठते हुए। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। शहर अलग अलग। पहली तस्वीर वाराणसी की है, दूसरी तस्वीर गुजरात के सूरत की और तीसरी तस्वीर दिल्ली की। तीनों जगह मुद्दा एक है, छात्र नीट परीक्षा परिणाम से नाराज हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं। जो नीट यूजी का एग्जाम इस बार देश भर में हुआ, एनटीए जो हर साल कंडक्ट करती है, उस एग्जाम में बहुत गड़बड़ियां, बहुत भ्रष्टाचार के संदेह हैं। हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और जब तक सीबीआई की जांच ना हो तब तक इसके आगे की कार्रवाई कुछ भी ना बढ़े। एनटीए अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से हमें जहाँ तक लड़ना पड़ेगा हम वहाँ तक लड़ेंगे। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? वजह ये 67 परीक्षार्थियों को जहाँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों के अधिकांश बड़े बड़े जिलों में जहां पर छात्र जागरूक हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज एससी में इसकी सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है और कब बेंच बैठती है, कब कैसे क्या होगा, आज शाम तक पूरी खबर क्लियर हो जाएगी कि क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी या फिर नहीं। और इसके पहले जानते हैं कि एससी ने जो है एनटीए को नोटिस जारी किया था स्पष्टीकरण के लिए, बट आज क्या होने वाला है एससी में सुप्रीम कोर्ट में वो आप सभी को आज शाम को पता चल जाएगा। बट पूरे यहाँ पर मतलब हर जगह सभी राज्यों की बड़ी बड़ी अधिकांश महानगरों में भी और बड़े बड़े जहां प्रतियोगी छात्र हैं हर जगह किसी न किसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। गांव के बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से या फिर सड़कों पर उतर रहे हैं, मतलब हर जगह एनटीए के विरोध में छात्र जो है उतर रहे हैं। छात्रों के साथ साथ उनके परिजन भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। बट अब आगे क्या होगा ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर है और आज शाम तक अच्छी खबर आने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप सभी को शाम को ये खबर दे दूंगा कि एनटीए ने इस परीक्षा को रद्द कर दी है। ऐसा हम सभी सोचते हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए कुछ प्रतिशत छात्रों को छोड़कर। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हम सभी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के एससी के ऑर्डर का, तुरंत आपको बताया जाएगा। जय हिंद।